गेन एवरीवन, मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं डीसीसी ई का 2023 का जो मैट्रिक्स लीग, हाँ सीट मैट्रिक्स है वो आ चुका है। और यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है उसका परसेंटेज दिया है, जनरल के लिए 40%, एससी के लिए 16% और एसटी के लिए 1%, यूबीसी के लिए 18%, बीसी के लिए 12%, आरसीजी के लिए 3%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और डिसेबिलिटी कोटा के लिए 5% दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है उन्होंने अपना गवर्नमेंट पॉलिटिकल पॉलिटेक्निक कॉलेजेस ने अपना सीट्स निकाल दिया है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से स्ट्रीम में कितनी सीट्स है। तो एक बार आप ओवरव्यू हम लोग देख लेंगे, पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा सारे चार्ट का, सारे कॉलेज का, लेकिन ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जीपी अरवल अरवल का जो कॉलेज है उसमें सिविल इंजीनियरिंग में 120 सीट है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 60 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 है। ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 5% टोटल एडिशनल सीट ऑफ द इकोनॉमिकली बैकवर्ड अंडर TFW। तो ये 5% इसमें से 360 में से 5% इन लोगों के लिए मतलब TFW के लिए निकाल रखी है। जीपी जहानाबाद में है इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 60 है, मैकेनिकल के लिए 60 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 60 है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 60 है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 60 है। तो भोजपुर, जीपी भोजपुर में टोटल 360 है और सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे ज़्यादा सीट है, 120 सीट है, बाकी के लिए 60 है। यहाँ पे बाढ़ में है, लगभग सब में 60-60 सीट है सब डिपार्टमेंट्स में। अगर आप इंटरेस्टेड है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में ज्वाइन करना तो जीपी टेक्सटाइल टेक है नथना नगर भागलपुर में, इसमें सारे डिपार्टमेंट में 60-60 है। फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी है, गारमेंट टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जो जनरल कोर्सेज से थोड़ी मॉडर्न और अलग हटके हैं, है ना। लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल और कंप्यूटर साइंस में सब में 60 है इसमें, लेकिन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में 30-30 है। देन पटना में जो कॉलेज था, ये GWP पटना के कॉलेज के बारे में बात करें, हम लोग ने GWP मुजफ्फरपुर वाले जो टॉप कॉलेजेस हैं, सॉरी GWP मुजफ्फरपुर में जो कॉलेजेस हैं, कंप्यूटर साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये सब में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग वाले को छोड़ के सब में 90 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक में 60 और फूड प्रोसेसिंग में 30 सीट है, टोटल 360। इसके बाद से इंस्टीट्यूशन वाइज, कैटेगरी वाइज, AICTE अप्रूव्ड सीट एलोकेशन इन प्राइवेट पॉलिटेक्निक। अब यहाँ से सब प्राइवेट कॉलेजेस का सीट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि कौन से प्राइवेट कॉलेज कौन सा कोर्स प्रोवाइड करा रहा है और उनमें सीट कितनी है। उससे पहले हम लोग ने GPW वाला जो देखा सब गवर्नमेंट कॉलेजेस था। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर कोई और डाउट है तो आप प्लीज़ पूछें और इसको शेयर कर दें ताकि सारे बच्चों को पता चले। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, बने रहने के लिए थैंक यू।